हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं संदीप और आपके पास फिर से आया हूं एक अपना नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में मैंने बताया है एक्वेरियम में हिडन फिल्टर कैसे बनाए, कि ऐसा फिल्टर और एयर पंप जो दिखेगा ही ना, और साथ में कॉर्नर फिल्टर, ये टू इन वन होता है जिसमें कि आपका कॉर्नर फिल्टर का भी काम करता है और हिडन भी रहता है, जो कि दिखता ही नहीं कि एक्वेरियम में फिल्टर लगा हुआ है। तो ये मैंने कैसे किया और कैसे बनाया है, देखने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। आप लोग वीडियो देखने के पहले मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, एक रिक्वेस्ट है, आधे मत छोड़िएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर भी आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए मैं इसे दिखाता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया और ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, आपको इसमें कहीं पे भी फ्रंट से फिल्टर नहीं दिख रहा होगा और एकदम क्लियर दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ मैं फिल्टर कहाँ लगा हुआ है और ये काम कैसे कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम में बना हुआ है। तो ये देखिए, इसमें लगा हुआ है कॉर्नर फिल्टर विथ फाउंटेन, और ये इसकी मोटर। तो ये कैसे बना और कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूँ पूरे वीडियो को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले क्या करना है, एक तो ये आपको मोटर लेनी है, ये 20 वाट का है, कूलर का समर्शियल मोटर है। एक ये सटक है, उसका टुकड़ा है छोटा सा, करीब 4 इंच का है। और एक ये टी आता है, ये कूलर में लगता है। फिर एक ये पाइप आती है, पीवीसी पाइप है। ये पहले फिटिंगों में यूज होती थी बिजली की, आजकल लोग इसको यूज करते हैं कूलर में फिटिंग करते हैं, इससे पानी गिरता है। इसका मैंने टुकड़ा लिया है, ये करीब 2 फिट का है। और एक ये टी है और एक ये है। तो सबसे पहले ये पाइप को इसमें लगा देंगे, उसके बाद इसमें टी लगा देंगे। टी लगाने के पहले इसमें थोड़ा सा ये लगा देते हैं चिपकाने वाला, आपने खैर इसका पीवीसी जॉइंटर आता है, ये हार्डवेयर वालों के यहाँ मिलेगा आपका, नल फिटिंग वालों के यहाँ। थोड़ा सा सूख गया है, फिर भी मैं इसे लगा देता हूँ क्योंकि काम करेगा। ये इसके बाद इसको लगा देंगे। इससे लगाने से क्या होगा कि साइड से पानी नहीं निकलेगा। ये खैर, इसमें अपन लोग लास्ट में भी लगा सकते हैं, यहाँ पहले इसको ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। इसमें भी इसके लिए वो लगाना पड़ेगा। ये मैंने लगा दिया और ये इसमें ये लगा देंगे और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ इसे निकाल देंगे। इसके बाद ये हिस्सा नीचे की तरफ है और ये हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ये जो ये हिस्सा मोटर में ऐसे जाएगा तो ये पानी ऐसे ऊपर चढ़ेगा, तो इधर नीचे से गिरना चाहिए, तो इधर नीचे तरफ सोल्डरिंग आयरन से होल करेंगे जैसे पहले करते थे। देखिएगा,
ये मैंने एक्वेरियम बना लिया था इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी मैंने एक खाली टैंक बनाया है। टैंक बनाना मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया था मैं, तो इसके लिए मैं इस बार टैंक का वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो टैंक ही पहले से रेडी है। हाँ, इसको कॉर्नर में लगाने के लिए ये ग्लास का टुकड़ा तिकोना, आपको ऐसे तिकोने में इसे कटवाना है जिसके अंदर ये मोटर चली जाए। मैंने एकदम परफेक्ट काटा है किस मोटर की साइज का। और ये मोटर अंदर जाने के बाद इसमें साइड में ये कोना काटें जिससे कि वो पाइप है वो ऐसे चली जाए। अब इसको रखने से पहले इसमें नीचे से थोड़ा सा कांच उठा देंगे जिससे वो नीचे से कचरा खींचे। उसके लिए ग्रेवल फिल्टर का ये फाइबर है, ये ग्रेवल फिल्टर है, इसमें सेट होता है पूरा, तो मैंने उसे निकाल लिया है। इसके ऊपर ऐसे रख देंगे ये, जिससे कि ये एक इंची नीचे जमीन से उठा रहे। देख रहे हैं ना आप लोग, अब यहां और यहां साइड से सिलिकॉन सी से सील्ड कर देना है। देखिएगा मैं इसे कैसे करता हूं। मैं अभी मोटर को इसके अंदर डाल दिया हूं, मोटर को, जिससे कि कांच टेढ़ा मेढ़ा ना हो, क्योंकि मैंने एकदम परफेक्ट काटा है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांच थोड़ा सा इधर या इधर हो जाए, जिससे बाद में मोटर को अंदर डालने में प्रॉब्लम हो और स्वेटा पूरा गड़बड़ा जाए। तो ये साइड से सिलिकॉन से मैं सील्ड करूंगा। देखिएगा कैसे करना है। चाहिए कांच का काम है। जी ये नीचे, अब आपको मैं बताता हूं कि क्या होगा इसके। ये जैसे मैंने स्टैंड के लिए ग्रेवल फिल्टर लगाया हुआ है, ऐसे ही आपको ग्रेवल फिल्टर, बहुत महंगा नहीं आता, सस्ता ही आता है, मुश्किल से 100 रुपए 80 रुपए का मिलेगा मार्केट में। ये आपको ना पूरे टैंक में बिछा देना है। आपको एक ग्रेवल फिल्टर में दो सेट होते हैं, जैसे कि एक ये इसका एक पल्ला और मिलेगा, तो करीब जैसे कि एक यहाँ बिछाया तो एक आप यहाँ बिछा देंगे, फिर एक सेट आपके पास और रहेगा तो उसे आप यहाँ बिछा देंगे, फिर एक पल्ला और बचेगा तो उसे आप काट के एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब पूरे में ग्रेवल फिल्टर नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेवल फिल्टर का सिर्फ भाग चाहिए, इसके लिए आपको एयर पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर आपको स्टोन बिछा देना है। मैं सब कुछ करके बताता हूँ, आप देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो, एक घंटे बाद देखते हैं क्या होता है। ये कॉर्नर फिल्टर कई तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ एकदम से नया है और थोड़ा सा प्रैक्टिकली है। एक्चुअल में हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना चाहिए, अभी पुराने तरीके ही नहीं आजमाने चाहिए, क्योंकि पुराने काम और पुराने तरीके तो हर कोई करता है। एक कॉर्नर फिल्टर होता है, लोग उसे ऐसे बनाते हैं, ये जो ग्लास है ऐसे कॉर्नर ना करके ऐसे आधा काट देते हैं, ज़्यादातर देखने को पाएंगे। उससे क्या होता है, जो आप फ्रंट में देखेंगे तो आधा एक्वेरियम आपको फिल्टर में दिखेगा और आधा एक्वेरियम आपको पूरा मछलियों में दिखेगी, जो कि बहुत गंदा दिखता है। ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें फिल्टर लगे हुए। देखिएगा मैं पूरा बना के दिखाता हूँ, मैं पुराना फिल्टर दिखाता हूँ पहले के टाइप के लोग कैसे बनाते थे। ये इसमें बना हुआ है, इसमें आधे में इधर फिल्टर है और आधे में इधर, इधर फ्रंट में ऐसे घुमा के पोस्टर लगा देते हैं, बहुत गंदा दिखता है। तो
अब इसकी अभी मैं मोटर निकाल दे रहा हूँ, अभी एक घंटे हो गए हैं और टेप फिर भी सपोर्ट के लिए लगा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये पूरी तरीके से बन गया है और देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस एक्वेरियम फिल्टर को ज़रूर बनाएं, इससे आपके एक्वेरियम की सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी और बहुत ही सस्ते में बन जाएगा और दिखेगा भी नहीं, और ऊपर से इसमें पानी फ्रेश भी होता रहेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा। तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।